हेलो जहन साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी जॉब आई है आप सबके लिए यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में UPPCL में आप सबके लिए बहुत अच्छी जॉब आई है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे भाई बहनों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ कौन सी वैकेंसी आई है, कितने पद हैं उसमें, क्या क्वालिफिकेशन है और उसके लिए सिलेबस क्या क्या होगा आपका। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है आपकी, अगर हम इसके पद की बात करें कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, तो ये आई है आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी कि कार्यकारी सहायक उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में, यानी कि UPPCL। इसमें जो आपके टोटल पद हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो टोटल पद हैं आपके वो हैं आपके 1033, यानी कि 1033 इसमें टोटल वैकेंसी हैं। और इसके जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं दोस्तों, वो हो रहे हैं आपके 19 अगस्त से 12 सितंबर तक, यानी कि 19 अगस्त से 12 सितंबर तक आपके फॉर्म इसके ऑनलाइन हो जाएंगे, यानी कि 19 अगस्त को आपके फॉर्म ऑनलाइन चालू हो जाएंगे, 19 अगस्त से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो होगा अक्टूबर के सेकेंड वीक में, यानी कि जो 2022 का जो अक्टूबर आएगा, इसके अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका इसमें का एग्जाम होगा। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज है 21 साल से 40 साल, यानी कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए। और हम इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है आप सबके लिए, खुशी की बात यह है कि सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई सब्जेक्ट का वो नहीं है, यहाँ SU ये सब्जेक्ट से होनी चाहिए और ना कोई यहाँ परसेंटेज का वो है कि इतने परसेंट से होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और दूसरी बात यह सिर्फ पास चाहिए, कोई यहाँ परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, अगर हम इसमें अब सिलेबस की बात करें तो आपका देखिए सिलेबस क्या रहेगा। इसमें सिलेबस दो प्रकार से, यानी कि आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका कंप्यूटर का और दूसरा पेपर होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे रीजनिंग, GS, हिंदी और इंग्लिश। यानि कि जिन भाई बहनों को मैथ से डर लगता है तो इसमें मैथ नहीं है, इसमें चार सब्जेक्ट आएंगे, दोबारा बता रहा हूँ, GS, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश। इस तरीके से जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा आपका कंप्यूटर का। अगर आप पहले पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपकी दूसरी कॉपी जांची जाएगी, जो आपकी GS की और हिंदी की और रीजनिंग की और इंग्लिश की है। इस तरह आपका जो पहला पेपर होगा उसमें सिलेबस बता रहा हूँ, वो आपका पहला पेपर होगा कंप्यूटर का। उसमें जो आपके टोटल प्रश्न आएंगे वो आएंगे दोस्तों 50 प्रश्न आएंगे, 50 ही आपके अंक होंगे, यानी कि 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका एक अंक का होगा। और इसमें से आपको सिर्फ 20 अंक लाने हैं 50 में से, यानी कि ये जो पेपर आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है आपका, इसके अंक आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। 50 अंक का आपका पेपर होगा, 50 में से आप 20 में ही पास हो जाओगे, यानी कि 20 लाने 50 में से। तो इस तरीके का आपका पेपर होगा। और इसमें जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग। जब आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लो तो आपका दूसरा पेपर होगा जो मैंने अभी सब्जेक्ट बताई आपको, और उसमें आपके टोटल प्रश्न होंगे 180। इसमें से आपके GS के 25 प्रश्न होंगे और आपके रीजनिंग के 45 प्रश्न होंगे, यानी कि कितने बताए मैंने, GS के 25, रीजनिंग के 45, आपके हिंदी के 55 और इंग्लिश के भी 55, यानी कि इंग्लिश और हिंदी का इसमें वेटेज ज़्यादा है। जिसकी इंग्लिश और हिंदी अच्छी होंगी वो इसमें अच्छे तरीके से अपनी नौकरी पा सकता है। इसमें जो टोटल आपके जो अंक होंगे वो होंगे आपके 180, और 180 ही इसमें क्वेश्चन है, और 180 क्वेश्चन होगा 20 नंबर की होगी आपकी टाइपिंग। क्या होगी, 20 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, और आपकी जो टाइपिंग होगी वो होगी आपकी हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप कोई सी भी एक कर सकते हैं, 20 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। तो इस तरीके से ये आपका 180 अंक का आपका पेपर होगा, 20 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। पहला जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी वैकेंसी आप सबके लिए, यानी कि एक क्लर्क की वैकेंसी है बिजली विभाग में आपके लिए। और सबसे बड़ी बात पता है इस वैकेंसी की, सबसे खास बात क्या है, इसमें जो आपको डेट दे दी है ना सेकंड वीक में अक्टूबर के, कंफर्म समझ लीजिए लिख के कि अक्टूबर में ही होगी ये जो वैकेंसी। कभी भी देख लेना आप, जो बिजली विभाग की वैकेंसी आती है ना, तो इन पर कभी केस लगा कि वहाँ से लीक हुआ, ये हो गया, भर्ती रुक गई, एक साल रुक गई, छः महीने रुक गई, ना इनका कभी पेपर लीक की सुनी होगी आपने, ना इनकी भर्ती की लेट की सुनी होगी, कुछ भी पता ही नहीं चलता है वैकेंसी कब आई और कब होगी। इस वैकेंसी को देख लेना आप,
अक्टूबर में इसका एग्जाम है, इस तरीके से आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर हम यूपी की वैकेंसी की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जैसे कि आप अगर यूपी के रहने वाले हो या कहीं बाहर के भी हो, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है, इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं, और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो इसे आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप सबके लिए बेस्ट बुक, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक से आप कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आज बस यही जानकारी देनी थी आज आप सबके लिए, यूपी बिजली विभाग में ये वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप फॉर्म अवश्य भरना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बिना चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।